मामला यूँ है कि एक ये परिवादी राजेश चौधरी जी हैं, इनके ब्रदर अमेरिका रहते हैं, उनकी एक मांगलियावास में एक ज़मीन है, तो जहाँ पे क्या है कि जैन स्वाध्याय भवन बना हुआ था करीबन 25-30 साल पुराना। वो जैन स्वाध्याय भवन में क्या साधु संत जैन साधु संत आते थे, वहाँ विहार करते थे, वहाँ उनकी पूजा अर्चना वगैरह होती थी। तो उन्होंने क्या है, सन 2012 में जो इनके ब्रदर है उन्होंने मुलजिम जो सीताराम टांग और उनकी वाइफ अंजुबाला टांग के नाम एक रजिस्ट्री कराई थी 2012 में, उसके पड़ोस की ज़मीन उसी खसरे की। सीताराम टांग और अंजुबाला टांग ने क्या किया कि जो FIR हमने दर्ज कराई है कि उन्होंने पटवारी जो दारा सिंह है वहाँ के और गिरदावर जो संजीव गुप्ता जी हैं अधिकारी उनके साथ मिली भगत करके क्या किया कि उस जो जैन स्वाध्याय भवन बना हुआ था उस पर इनके ताले थे और जो सामान रखा हुआ था साधु संतों का, पूरे जैन स्वाध्याय भवन को अपनी ज़मीन में शामिल कर लिया, उसका नामांतरण अपनी में खुला लिया और इनके नाम खाली ज़मीन पकड़ा दी। जबकि 2012 में वो रजिस्ट्री हुई उसमें रजिस्ट्री में ऐसा कोई हवाला नहीं था कि जैन स्वाध्याय भवन भी बेचा गया है, और इस तरह से उन्होंने पूरी हेरफेर करके पूरे के पूरे उस पर ताले तोड़ के अपना नाम TMDS लिखवा लिया, और जबकि जैन स्वाध्याय भवन था। इस मामले को लेकर मांगलियावास थाने में हमने 170 FIR संख्या उनके सारे मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कराई है। इसको लेकर आज जैन समाज के प्रतिनिधि भी कई जो इनके स्वाध्याय उसके हैं वो और ये परिवादी राजेश चौधरी वगैरह, हम लोग ने कलेक्टर और SP से टाइम लिया था, कलेक्टर साहब को मिलकर हमने ये बताया कि भाई इसके खिलाफ जो जैन समाज की भावनाएं आहत हो रही है। मुलजिमान ने क्या किया कि उसी के जस्ट पास में एक दारू की दुकान और खुलवा दी ताकि जैन साधु संत वहाँ पे आ ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तो ये एक तरह का मतलब जैन समाज की भावनाएं भी आहत करना है, और इतनी बड़ी मिलीभगत करके पूरी की पूरी 2 हेक्टेयर पे बनी हुई बिल्डिंग, एक तो जैन स्वाध्याय भवन और उसके पीछे एक फैक्ट्री और बनी हुई थी जो कि बैंक को गिरवी थी, उन दोनों के ताले तोड़ के पूरी की पूरी मतलब जिंदा मतलब वो उसको निगलना कहते हैं ना जिसे, कि पूरी बिल्डिंग ही निगल ली और जबकि वो बेची नहीं थी, और इनको खाली ज़मीन पकड़ा दी जबकि इनकी ज़मीन में स्वाध्याय भवन वो बना हुआ था। इस मामले को लेकर आज कलेक्टर साहब और SP साहब से ये करिए कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो। वैभव जनाडू।